नमस्कार बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और हायाघाट के 4.5 लाख मतदाता सोमवार को डालेंगे वोट, तैयारियां पूरी। बैंकों के विलय के विरोध में मंगलवार को बंद रहेगा बैंक, बैंक कर्मी हुए एकजुट। रोटरी क्लब दरभंगा में 100 विकलांगों के कटे हाथ की जगह कृत्रिम हाथ लगाएगा, मार्च में होगा आयोजन, निबंधन प्रारंभ। तो बांझपन की समस्या को दूर करेंगे चिकित्सक, मेट्रो हॉस्पिटल ने की पहल। और दुर्गा पूजा समितियों का सम्मान, तो चेहल्लुम में निकला जुलूस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। I am electric, I am the future. No license, no insurance, only your residency. नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, नो लाइसेंस नो इंश्योरेंस। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा, कॉन्वोकेशन कम्युनिक द 10th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ द ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा शैल बी हेल्ड ऑन 12th of November 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस डिजायर टू रिसीव देयर डिग्री इन पर्सन एट द कॉन्वोकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनली थ्रू ऑफलाइन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फ्रॉम 16 September 2019 टू 12 October 2019 ड्यूरिंग ऑफिस आवर पॉजिटिवली। नेम ऑफ द एग्जामिनेशंस MA MSc बायोटेक्नोलॉजी, MCOM एग्जामिनेशन 2019, MEd एग्जामिनेशन 2019, MBA एग्जामिनेशन 2019, PhD डीलिट एग्जामिनेशन रिजल्ट पब्लिश्ड इन बिटवीन 1st January 2019 टू 30 September 2019, द एप्लीकेशन फ्रॉम रिक्विसाइट फी एंड अदर डिटेल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. ऑथराइज्ड डीलर लकी ट्रेडर्स ई रिक्शा सार्था बैटरी रिक्शा एवं स्कूटी फाइनेंस ई रिक्शा की सुविधा डीलर पॉइंट पर उपलब्ध है। सेल्स गर्ल्स एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट की आवश्यकता है। जमशेद आलम, संपर्क नंबर 8969636568 8539972119 NS57 बाजार समिति जमालचक। और अब समाचार विस्तार के साथ। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हेतु 78 कुशेश्वर स्थान, 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कार्यों के लिए पोलो मैदान से वाहनों को रवाना कर दिया गया। 21 अक्टूबर को सोमवार को वोट पड़ना है। मतदान कार्यों की सूचनाएं संग्रहित करने तथा अनुश्रवण एवं नियंत्रण करने हेतु समाहरणालय सभा कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो लगातार कार्य करता रहेगा। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के तहत 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में
मतदान संपन्न कराने हेतु पोलिंग सह संग्रहण दल को ईवीएम वीवीपैट के साथ आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पीसीसीपी को संध्या होने से पहले ही अपने गंतव्य मतदान स्थल पर पहुंचकर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना देने को कहा गया। पीसीसीपी दंडाधिकारी द्वारा ईवीएम वीवीपैट से संबंधित मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारी को 21 अक्टूबर को मतदान प्रारंभ होने के पूर्व हस्तगत कराया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएमए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा सभी सीपीसीसीपी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तथा सेक्टर दंडाधिकारी को मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करने से पूर्व संयुक्त रूप से संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि जिला के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रही है, इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पीसीसीपी और अन्य सभी दंडाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे लोग समय से पहले अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 से अधिक मतदान केंद्रों पर पहुंचने हेतु नाव एवं ट्रैक्टर का भी सहारा लेना पड़ेगा। मार्ग की स्थिति के अनुसार पीसीसीपी एवं सेक्टर के साथ नाव एवं ट्रैक्टर टैग कर रखा गया है। जैसे ही पीसीसीपी व सेक्टर दंडाधिकारी वहां पहुंचेंगे, उन्हें आवंटित नाव सेक्टर उपलब्ध हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा आशा व्यक्त किया गया कि सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पूर्व से ही मतदान कराते आ रहे हैं, इसलिए सभी अनुभवी हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी दंडाधिकारियों को पूर्ण मुस्तैदी के साथ लोकसभा उप निर्वाचन चुन स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के क्रम में मार्ग में कोई परेशानी होती है तो स्थानीय थाना प्रभारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे, वे मतदान केंद्र तक पहुंचने में पूरी मदद कर सकते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने अपने संबोधन में कहा कि मतदान कार्य कराने जा रहे अधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों का हौसला अफजाई किया। सभी अधिकारी एवं कर्मी निडर होकर मतदान ड्यूटी करें। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु कई स्तरों पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्रों या आसपास में सुरक्षा का वातावरण हो ताकि सभी मतदाता भय मुक्त होकर अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आएं और मताधिकार का प्रयोग करें। पीसीसीपी को कहा गया कि कई मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए नाव और ट्रैक्टर का सहारा लेनी है, इसलिए सबसे अहम है कि दिन के उजाले में ही रास्ता तय कर निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर रास्ते में कोई परेशानी हो तो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। किसी भी चुनाव उपचुनाव हो या सामान्य चुनाव हो, उसको हल्का से लेने की सवाल ही नहीं पैदा होता। और इलेक्शन कमीशन का जो मार्गदर्शन है वो सबके लिए लागू है, तो इसके लिए सभी जो चुनाव ड्यूटी में काम करते हैं उनके लिए कुछ मूल मंत्र है। ये न्यूट्रल रहना ही है और न्यूट्रल दिखना भी चाहिए। न्यूट्रलिटी कहीं भी अफेक्ट होगा या परसेप्शन ऐसा होगा तो कार्रवाई करेगी। एक जिला में पिछले चुनाव जब अभी आप लोग ने कराया था, दूसरे जिला में कई लोगों को सस्पेंड और एफआईआर करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। जिला का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये स्थिति थी कि पुष्टि हुआ कि किसी कैंडिडेट के पक्ष में वो लोग काम कर रहे थे, तो कई लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, पीसीसीपी, पोलिंग पर्सन सबको सस्पेंड करना पड़ा, एफआईआर भी दर्ज हुआ। इस प्रकार की ये सब हम लोगों के लिए भी सीख है, इसको इंश्योर करना है कि न्यूट्रल रहते हुए परसेप्शन भी न्यूट्रलिटी का बने रहे, एक माहौल भी न्यूट्रल माहौल बने रहे। एक दूसरा है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, उसको अक्सर अनुपालन कराना, अपना दिमाग नहीं लगाना, डोंट अप्लाई योर माइंड। हम अपने दिमाग लगा करके प्रैक्टिकल वेस में काम कर रहे हैं करके हम कोई काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट रूल है, आपको ट्रेनिंग दी गई थी और मटेरियल दी जा रही है, उसमें जो अंकित है उसको 100% अनुपालन करना है और आगे प्लस और माइनस कुछ भी नहीं करना है। और भाई रूल बुक चलना है। ईवीएम और वीवीपैट आज के तारीख में काफी संवेदनशील चीज हो गया है। जैसे आप लोग पहले बार इसके पहले चुनाव में देखे हैं, एक जगह पर एक सज्जन ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया दूसरे जिला में,
वो जाकर के कहीं ईवीएम को रोक रख करके पोर्टल में चला गया रहने के लिए, तो उस पर बहुत बवाल हुआ पूरा बिहार में कि सस्पेंड होना पड़ा, एफआईआर होना पड़ा। तो ईवीएम और वीवीपैट को कहीं भी आप छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगर गाड़ी रुक भी जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल में ईएलई ट्रेसेस है ना। चुनाव से संबंधित सूचना संग्रहण करने हेतु, अनुश्रवण करने हेतु समरणालय सभा कक्ष को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति और 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बूथवार कोई भी ऐसी घटना होती है मतदान के समय, तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दिया जाएगा और वे वहीं से इसकी सूचना उच्च अधिकारी को देंगे, ताकि समय रहते इस पे नियंत्रण किया जा सके। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। भारत सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मिलाकर 4 बैंकों के बनाने का निर्णय का लगातार विरोध हो रहा है और इस संदर्भ में 22 अक्टूबर को बैंक कर्मी हड़ताल पर है। 22 अक्टूबर को सभी सरकारी एवं निजी बैंक बंद रहेंगे, कोई काम काज नहीं होगा, ना ही जमा होगी और ना ही निकासी। भारत सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय 4 बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका बैंक कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन या बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सभी बैंक कर्मी 22 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। को टोटल ऑल इंडिया में हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर अखिल भारतीय स्ट्राइक। इस स्ट्राइक का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, उस मुख्य मुद्दे में हमारे एम्प्लॉय के अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी डिमांड नहीं, ना हमारा सैलरी डिवीजन का है, ना हमारे सर्विस का। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन एट ए स्ट्रोक हमारे 10 बैंकों का मर्जर जो किया, उसमें से 6 बैंक को क्लोज कर दिया। दैट इज ए टर्म ऑफ मर्जर, लेकिन वर्चुअली दैट इज नॉट अ मर्जर, ये हमारा मर्डर है। जब हमारे 10 बैंक में से 6 को बंद किया गया, 4 को रखा गया, बाकी 6 को रिस्क चार्ज में मिलाया गया, इसका मतलब 6 बैंक हमारा बंद होगा। हम आम जनता को सजग करें, इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य आज जो यह मर्डर हो रहा है, अभी आपने देखा कि एक मतलब पंजाब और पंजाब महाराष्ट्र बैंक जिसमें करोड़ों करोड़ का घपला हुआ, आज बहुत सारे आदमी जो अपनी गाड़ी कमाई उसमें जमा किए थे वह जो है पैसा नहीं ले पाए, सरकार उसको 1000 रुपया दे रही है। आज सरकारी बैंकों में है कि अगर सरकारी बैंक मतलब बंद हो जाएगी तो आपको 1,00,000 रुपये का बीमा है, 1,00,000 रुपया सरकार देने के लिए बात है। आज अगर किसी आदमी का 4 बैंक में खाता है वह 4,00,000 रुपया तक ले सकती है, लेकिन अगर यही 4 बैंक मर्ज होकर के 1 बैंक हो गया तो आप कितना रुपया लीजिएगा? 1,00,000 रुपया। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। कोहनी के नीचे से कटा हुआ हाथ के बदले कृत्रिम हाथ लगाने हेतु 22 मार्च 2020 को विशुद्धानंद हॉस्पिटल में 100 तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में कैंप लगाया जाएगा, वो जानकारी रोटरी क्लब दरभंगा ने मीडिया को दी। यह कृत्रिम हाथ बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाएगा। अब कृत्रिम हाथ लगाना हुआ आसान, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास में पर्याप्त पैसे नहीं है और वह अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, उनके लिए रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा लाया है एक सुनहरा मौका। 22 मार्च 2020 को श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में केहुनी के नीचे से कटा हुआ हाथ के बदले कृत्रिम हाथ लगाने हेतु कैंप लगाया जाएगा, 100 तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन होना है। इस हेतु जानकारी दी रोटरी क्लब दरभंगा के सदस्यों ने। प्रीतम बोहरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 3 मेडिकल कैंप हम लोगों को करना है। मेडिकल कैंप सपोज टू बी डन एट अक्टूबर में करने का हम लोग का प्लान था, क्योंकि सब त्योहार और फंक्शन इतनी ज्यादा लाइन में है कि वो टाइम नहीं निकल पाया कि सब डॉक्टर्स या कोई
जितने भी रोटेरियंस हैं वो फ्री होते हैं कि वहाँ पे जाके कैंप कर पाए। तो ये हम लोग ने छठ के बाद का प्रोग्राम किया है जिसमें हम लोग मेडिकल कैंप करेंगे जिसमें ऑन एन एवरेज 500 पेशेंट्स को देखा जाता है विथ फ्री मेडिसिन एंड फ्री देखना और उसके बाद जो भी चीज़ उनको ज़रूरी होती है उस हिसाब से उनको गाइड करना, जिसमें कि आई हॉस्पिटल ये सब आई गायनोकोलॉजिस्ट गौरीबाबू का जो डिपार्टमेंट है और ऑर्थोपेडिक और विभिन्न प्रकार के पैथोलॉजी ऐसा सबको एक टोटल डॉक्टर यहाँ से जाते हैं हम लोग और वहाँ पे उन लोग का फ्री इलाज करते हैं। आने वाले कल में 200 कम से कम कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा जो लाहान आई हॉस्पिटल में होता है जितेंद्र जी के तरफ से, वो 100% फ्री होता है। उस कैंप के दौरान खाना पीना रहना पेशेंट का एक कंबल उन लोगों को दिया जाता है। 22 मार्च को इस कैंप को करेंगे, अभी समय है, अगर जरूरत पड़ा तो फिर दोबारा हम लोग बैठेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो हम लोग का नंबर है यहाँ पर इसमें नंबर है आप लोगों को भी बता देते हैं 9430898431। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, पेशेंट को फोन करने का कोई जरूरत नहीं है। हम अभी आपको हाथ दिखाते हैं, जो हाथ हम लोगों के पास आता है उनको व्हाट्सएप आप कर दीजिए। हम लोग जो है जो कि ये देखिए ये हाथ है, ये पेशेंट का आज ही अभी जस्ट फोटो भी आया है, ठीक। तो इसको हमने कहा कि आप हमको आधार कार्ड उनका भेज दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे। सुबह सुबह 5 बजे में पेशेंट फोन कर देता है, 5 बजे में सुबह में नींद खुलता है, 11:40 के पेशेंट से नींद खुलता है। तो स्वाता आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे फोन करना हो तो 10 बजे दिन के बाद फोन करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे पेशेंट का जो फोटो है हाथ कटा हुआ फोटो पेशेंट के फोटो के साथ वो हाथ कटा हुआ फोटो उसे भेज दें। हम लोग तुरंत उस फोटो को जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ है जो ऑथराइज ग्रुप है रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन का उसको तुरंत हम लोग भेज देते हैं, वहां से वो तुरंत वो कंफर्म करते हैं कि हाँ इनको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे ही उनका कंफर्मेशन आता है वैसे ही हम लोग आपको सूचना करते हैं कि आप इसका कॉन्टैक्ट डिटेल भेज दीजिए और हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। करने की पूछ रहे हैं अगर विशेष 100 से अधिक ऐसे माताओं के लिए गोद भरना हुआ आसान, मेट्रो हॉस्पिटल IVF सेंटर की ओर से आयोजित CMC प्रोग्राम में उक्त बातें चिकित्सकों ने। बांझपन अब गुनाह नहीं, ऐसे माताओं के लिए अब गोद भरना हुआ आसान। मेट्रो हॉस्पिटल IVF सेंटर की ओर से आयोजित CME प्रोग्राम में उक्त बातें चिकित्सकों ने कही। CME प्रोग्राम का आयोजन किया गया था बेता में, जहां बेंगलोर और पटना के डॉक्टरों ने लोगों को सुझाव दिया कि बांझपन गुनाह नहीं है, अब मशीनों के जरिए और नए तकनीक के जरिए ऐसे माताओं का भी गोद भरा जा सकता है। सम रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन अ कपल एंड ओनली देन IVF शुड बी एम्बार्क्ड अपॉन, बट दिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर अ डोनर इंसेमिनेशन वेयर यू टेक द फीमेल पार्टनर टू बी अ हेल्दी वन। Ovulation has to be timed with insemination, but you don't have to be very, very strict. The day of the ovulation is also fine. You don't have to be only at 36 hours or 32 hours. Some patients can get very hyper about that thing ki mera 38 ghanta ho gaya ya itne baje injection liye the, but that does not have to be strictly timed, but it has to be timed. Dr. Vipi Aspik, Director of Metro IVF Center. Today it's time to celebrate for more than 500 IVF babies delivered. अभी हम लोग के यहाँ 500 से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे होते हैं वो डिलीवर्ड हो चुके हैं और मोर देन 1200 प्रेगनेंसीज अभी पाइपलाइन में हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है ऐसे रिमोट एरिया में, और ये आज जो है हमारा दरभंगा नॉर्थ बिहार में सबसे पहला मॉड्यूलर IVF लैब है जो इतना अच्छा सक्सेस रेट दिया है। इस खुशी को हम लोग सेलिब्रेट आज कर रहे हैं और हम लोगों ने एक CME ऑर्गेनाइज किया है जहां हम लोगों ने बाहर से बहुत सारे स्पीकर जो वेल नॉन स्पीकर है जो हिसार में AICUG में बोलते हैं, पटना से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, काठमांडू से आए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, ये सारे स्पीकर्स और ये हमारे खुशी में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। आज हम लोग एक CME कर रहे हैं कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, ये जो है इनफर्टिलिटी के ऊपर, निसंतानता के ऊपर।
ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ IVF सेंटर मेट्रो IVF पे 500 बच्चों का IVF के द्वारा जन्म, इस सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो स्पीकर्स हैं पटना से डॉक्टर, इसमें हम लोग सुबह दिन के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का हम लोग CME किए, इससे 5-6 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जयनगर, सभी जगह के डॉक्टर यहाँ आए हैं और हम चाहेंगे जो लाभ उठाएं और सीखे कि आगे हम लोग कैसे करें। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी, नस, स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु तो उपलब्ध सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार, ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपने घर लाए सोनी, हायर, एलजी, एवीडी कंपनियों के स्पीकर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, पंखा, एसेसरीज। खुल गया, खुल गया, खुल गया। शिवधारा चौक के निकट बाजार समिति में दरभंगा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कंपनी का सही सामान देने का पहला लक्ष्य। खूब करें खरीदारी और अपने घर लाएं कंपनियों के एसेसरीज। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल। रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20। कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और हायाघाट के 4.5 लाख मतदाता सोमवार को डालेंगे वोट, तैयारियां पूरी। बैंकों के विलय के विरोध में मंगलवार को बंद रहेगा बैंक, बैंक कर्मी हुए एकजुट। रोटरी क्लब दरभंगा में 100 विकलांगों के कटे हाथ की जगह कृत्रिम हाथ लगाएगा, मार्च में होगा आयोजन, निबंधन प्रारंभ। तो बांझपन की समस्या को दूर करेंगे चिकित्सक, मेट्रो हॉस्पिटल ने की पहल। और दुर्गा पूजा समितियों का सम्मान, तो चेहल्लुम में निकला जुलूस। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन आईसा एवं इनोस की ओर से किया गया, CM लॉ कॉलेज। आयशा इनोस की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा में सफल प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया CM लॉ कॉलेज में। एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है हिंदुस्तान में, जिस नई पीढ़ी को हिंदुस्तान को नई दिशा देनी है। और इस मौके पर हमारे बीच सुमन जी, हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान, मनोज कुमार झा जो में बाबा नागार्जुन की जो पूरी परंपरा है कविता लेखन की, उस परंपरा को और ऊंचाई प्रदान करने का काम साथी मनोज जी करेंगे। दरभंगा जिला में महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर 13 अक्टूबर को प्रतियोगिता परीक्षा छात्रों के बीच आयोजित किया गया था,
उसी को लेकर आज गोष्ठी सह प्रतियोगिता परीक्षा में जो छात्र लोग उत्तीर्णता प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के तहत आज संवैधानिक लोकतंत्र पर बढ़ते हमला और छात्र युवाओं की भूमिका को लेकर आज संगोष्ठी लॉ कॉलेज पर आयोजित किया गया है। उसमें 8 क्लास से लेकर के स्नातक उत्तर के तमाम छात्र लोग और भाग लिए इस कार्यक्रम में। करीब 350 छात्र और छात्राएं मिलकर के इस पार्टिसिपेंट हुए थे। आज उसी का रिजल्ट प्रकाशित और प्राइज वितरण और सर्टिफिकेट वितरण का। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिथिला विकास संघ की ओर से मिथिला का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिथिला विकास संघ की ओर से मिथिलाक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया GM रोड में। आप बाढ़ के सवाल ना पूछो, डेंगू के सवाल ना पूछो, महामारी के सवाल ना पूछो, स्वास्थ्य की अनुपलब्धता के सवाल ना पूछो, ठकने की कोशिश थी, नूरा कुश्ती थी। संघ के सम्मेलन तेसर सम्मेलन आयोजित हो जाए, प्रथम सत्र में मिथिलाक आर्थिक, सामाजिक जे दशा और दिशा छे ओहि पर चर्चा भऽ रहल अछि। ओहि सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी छलथि, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजय पासवान जी छथि और तमाम क्षेत्र के जे बुद्धिजीवी छथि ओ सब पहुँचल छथि। हुनका सबके संग चर्चा कऽ रहल छी। जिला सम्मेलन छी तेसर, मिथिला विकास संघ अपन शुरुआती दौर सँ मिथिला और मैथिली के लिए अनवरत लड़ाई करित रहल। दरभंगा जिला के अंदर में जे कोनो समस्या होइ छे सबसे पहले मिथिला विकास संघ ओकर आवाज उठबैय, जकर उदाहरण छे जे दरभंगा में एम्स का स्थापना होइ वाला छले आ जाकी एमहर लोग गड़बड़ेलखिन, राजनेता गड़बड़ेलै तऽ मिथिला विकास संघ पहलुक धरना और प्रदर्शन कऽ कऽ सरकार के विरोध में बिगुल फूकलक। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। शिक्षक निर्वाचन के उम्मीदवार प्रोफेसर जयशंकर झा ने मनोकामना मंदिर श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद लेकर चारों जिला के लिए शिक्षक संपर्क का शुभारंभ किया। शिक्षक निर्वाचन के उम्मीदवार प्रोफेसर जयशंकर झा ने मनोकामना मंदिर श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद लेकर चारों जिला के लिए शिक्षक संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के दिशा में श्यामा मंदिर परिसर में 4 पेड़ भी लगाए गए। भाई भवतु, मैं हनुमत से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से विनम्र निवेदन किया हूँ, कर रहा हूँ कि शिक्षा जगत में विशुद्ध शिक्षक के रूप में जीने वाला मैं सस्ती राजनीति में कभी मैंने देखा भी नहीं, छुआ तक नहीं। अब मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में यदि मन बनाया तो केवल समाज के दर्द से जुड़े रहने के कारण उन शिक्षकों के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें समुचित वेतन मान नहीं देकर के समान काम समान वेतन की घोषणा नहीं करके, जिन संबद्ध महाविद्यालयों के साथ प्रवंचना करके उनके शिक्षक वर्षों से जिस पीड़ा से अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, उन संबद्ध महाविद्यालयों के वंचित पीड़ित शिक्षकों की पीड़ा से मैं स्वयं द्रवित होकर के और सेवानिवृत्त शिक्षकों को जिस प्रकार बुढ़ापे में दौड़ दौड़ के हाईकोर्ट तक दौड़ना पड़ता है और कई बार। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। भागवत कथा का कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ वार्ड 5 की पार्षद आजम नगर निवासी पूजा मंडल के आवास। भागवत कथा का कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ वार्ड 5 की पार्षद आजम नगर निवासी पूजा मंडल के आवास पर। कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। सिटी फ्रंट हिंदी साप्ताहिक के नए कार्यालय का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने किया। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन। सिटी फ्रंट हिंदी साप्ताहिक के नए कार्यालय का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े ने किया। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।
वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया रविवार। दुर्गा पूजा के आयोजन के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और आपसी भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा को संपन्न कराने में अपनी सहभागिता देने वाले सदस्यों को, चाहे वह प्रशासनिक हो या फिर जिला स्तर के या शांति समिति हो, सबों को दुर्गा पूजा समन्वय समिति ने सम्मानित किया प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर। और शहर के आसपास हम लोग छठी पोखर से शुरू करते हैं और अशोक की पेपर मिल मेरी दुर्गा पूजा होता है। छिपरिया से शुरू करते हुए कबीर चौक होते हुए इधर शिवाजी नगर तक लगभग 52 पूजा समिति के साथ यह समिति आगे बढ़ रही है। समन्वय का यहाँ अर्थ है पूजा समितियों का प्रशासन के द्वारा समन्वय, पूजा समितियों का अपने श्रद्धालुओं के साथ समन्वय। शहर के अंदर में जितने भी दुर्गा समितियाँ है सबका समन्वय बैठा कर शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने शुरुआत करवाया और इसको संपन्न कराया। एक बहुत ही जो समाज के अंदर में ये जो सामाजिक आदमी को करना चाहिए तो मुनि जी और मुनि जी के टीम ने किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। समन्वय समिति प्रत्येक साल जितने भी शहर में सम्मानित किया और उसी में जो सबसे अच्छी पूजा होती है उसको सम्मान बहुत बढ़िया मानी जैसे समन्वय समिति सभी दुर्गा पूजा समिति इस प्रकार से काम और आदि ज्यादा उत्साह प्रत्येक साल बढ़ता है और भैया की आराधना में और जोर शोर से जो है लोग ऐसा काम। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। और बात चेहलुम की, जहाँ विभिन्न मोहर्रम कमेटी की ओर से ताजिया जुलूस निकाला गया चेहलुम के अवसर पर। मोहर्रम के 40वें दिन होता है चेहलुम। जिला मोहर्रम कमेटी की ओर से मोहर्रम के बाद चेहलुम का आयोजन किया गया, जो कि मोहर्रम के 40 दिनों बाद इसका आयोजन होता है। विभिन्न अखाड़ा कमेटी की ओर से ताजिया जुलूस भी निकाला गया। आयोजन कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष सिगतुल्ला खान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की देखरेख कमेटी के महासचिव मोहम्मद कलीमुद्दीन उर्फ रुस्तम कुरैसी व कोषा अध्यक्ष पप्पू खान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी से जुड़े संरक्षक के अन्य पदाधिकारी का अहम योगदान रहा। जिला प्रशासन दरभंगा, जिला शांति समिति के सदस्य सहित सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने भी चेहलुम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। आज मुहर्रम में, आज मुहर्रम जो 40वां है, 40वां का प्रोग्राम होता है, जो 20 सफर हमारा उर्दू महीना सफर मुजफ्फर कहा जाता है, 20 सफर मुजफ्फर को 40वां का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से दो तीन प्रोग्राम होती है। पहला तो दिन में जोहर के बाद खिचड़ा हम लोग फातिहा करवा करके गरीबों में तकसीम करवाते हैं, मदरसे के बच्चों को खिलाते हैं, हम लोग भी खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। लोग बहुत लोग आते हैं, जितने भी अखड़िया आते हैं सब लोगों को दावत दिया जाता है, वो लोग आकर के खाते हैं। उसके बाद 4 बजे से ज़िला मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत जितने भी अखाड़े हैं उसमें से कुछ अखाड़े, जैसे 10-15 अखाड़ा है, जिसमें लाल बाग अंसारी मोहल्ला, मौलवी मोहल्ला, मुफ्ती मोहल्ला, किला घाट, खरम रहमगंज, इस तरह से कई अखाड़ा है जो
अपने घर से जुलूस के शक्ल में निकलते हैं और जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के पास आकर के यहाँ पे अपने फन का मुजाहरा करते हैं। फिर वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, बीटीए न्यूज। लॉल इज द फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश साहनी के द्वारा। लॉल इज द फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश साहनी ने फीता काटकर किया बेता चौक पर। रेस्टोरेंट आज इस पीता में उद्घाटन हुआ है। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में उत्तम कोटि के नाश्ता के लिए ये संचालित है। दरभंगा में भी एक नया ब्रांच आया है, हम लोगों को प्रसन्नता है। जितने अच्छे व्यंजन लोगों को मिलेंगे, सुविधा लोग खोजना चाहते हैं और दरभंगा में बेता चौक बहुत ही व्यस्ततम स्थान है। यहाँ पर इस तरह के प्रतिष्ठान खुलने से निश्चित रूप से लोगों को नाश्ता वगैरह करने में काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ बैठने की उत्तम व्यवस्था, नाश्ता की उत्तम व्यवस्था, हमको लगता है कि ये खुलकर हमारे शहर के लिए भी एक गौरव का विषय है। फूड प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि बेता चौक मंडल बाजार का एक पार्ट है, और हमारा इसमें वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें, जिसमें बर्गर है, टॉटीला रैप है, चिकन बकेट है, और इसके बाद बहुत सारा वेज नॉन वेज आइटम है। इसमें नान आता है, मेन कोर्स में पनीर का है और चिकन का, जैसे कि चिकन काली मिर्च है, चिकन कैजोनट है। उसके बाद आपको दाल मखनी, दाल का आइटम मिल जाएगा जो रेगुलर आइटम होता है, तवा रोटी हो जाएगा, बहुत सारा इंग्रेडिएंट जो कि KFC, डोमिनोज और मैकडी को मिला के एक छोटा सा हमने मेनू बनाया है जो कि ये सारा चीज़ कवर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा हम टेस्ट दे रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग जो भी आएंगे सबको अच्छा लगेगा। सत्येंद्र कुमार, बीटीए न्यूज। और बात एक ऐसे श्राद्ध क्रम की जिसमें श्रद्धांजलि अपने अपनी संतुष्टि के लिए नए रूप से, जी हां, विधायक अमरनाथ गामी के भाई शत्रुघ्न गामी की मौत पर आयोजित द्वादशा कार्यक्रम में कई आम और खास आए। इन्हें पत्तल में, जो लकड़ी से बना पत्तल था, मिट्टी से बने ग्लास और जाते वक्त पौधा उपहार में एक प्रतीक के रूप में, याद के रूप में श्रद्धांजलि हो मृता। और लावारिस सबका दाह संस्कार कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने किया। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण अपने खर्चे पर लावारिस सबका अंतिम क्रिया, मिट्टी, दाह संस्कार इत्यादि करते हैं। उक्त लाश बिरौल से मिली थी। 3 दिन पोस्टमार्टम में रखने के बाद जब कोई दावेदार नहीं हुआ तो कबीर सेवा संस्थान को यह लाश सौंप दी गई, जिसका सत्ती घाट में विधिवत रूप से सदस्यों ने दाह संस्कार किया। बिरौल थाना से मिले एक अज्ञात अधेर पुरुष की लाश का दाह संस्कार विधिवत रूप से कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण भोला गुप्ता, सचिन राम, देवेंद्र महतो, राजा राम, सुजीत, श्रवण राम, कपिल राय और नवीन सिन्हा ने किया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और हायाघाट के 4.5 लाख मतदाता सोमवार को डालेंगे वोट, तैयारियां पूरी। बैंकों के विलय के विरोध में मंगलवार को बंद रहेगा बैंक, बैंककर्मी हुए एकजुट। रोटरी क्लब दरभंगा में 100 विकलांगों के कटे हाथ की जगह कृत्रिम हाथ लगाएगा, मार्च में होगा आयोजन। निबंधन प्रारंभ, तो बांझपन की समस्या को दूर करेंगे चिकित्सक, मेट्रो हॉस्पिटल ने की पहल। और दुर्गा पूजा समितियों का सम्मान, तो चेहल्लुम में निकला जुलूस। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।